हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, आप लोगों के लिए TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से एक बहुत बड़ी मास हायरिंग की जा रही है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग TCS टाटा कंसल्टेंसी के अंडर जॉब करना चाहते हो, अभी कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई फीस नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ₹1000 का एक गिफ्ट भी है मेरे पास, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग फ्री कोर्सेज और इंटर्नशिप्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं TCS की जॉब अपडेट के बारे में। तो TCS की तरफ से अभी इनकी एक नई हायरिंग की जा रही है, TCS BSc Ignite और स्मार्ट हायरिंग फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ 2023 एंड 2024 स्टूडेंट्स के लिए। यहां पे अगर आप 2023 पास आउट हो या 24 में पास आउट होने वाले हो, तो आप लोग इस हायरिंग का हिस्सा बन सकते हो। दो तरीके की ये हायरिंग की जा रही है। इस हायरिंग के अंडर आप लोगों को TCS की तरफ से फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं, टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, जो कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है इस हायरिंग में, तो ये सारी स्किल्स आप लोगों को सिखाई जाएंगी। जस्ट आपका एक एप्टीट्यूड बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरीके का टेस्ट होता है, कहां पे जाके आपको उस टेस्ट को देना होता है, वो आपको देना होता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो सारी स्किल्स आप लोगों को सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग आप लोगों को फ्री में TCS की तरफ से दी जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 24 जून से पहले पहले आप लोग रजिस्टर कर सकते हो इस हायरिंग के लिए, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। टेस्ट की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई, बट कहा जा रहा है कि जुलाई के मंथ में आप लोग के टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। स्टेट वाइज अलग अलग डेट्स आप लोग को दे दी जाएगी, जिन भी बच्चों को यहां पे रजिस्टर करते हैं उनको कंफर्मेशन मेल रिसीव हो जाएगी। अगर हम बात करें TCS की ये BSc Ignite और स्मार्ट हायरिंग क्या है, किस तरीके से ये हायरिंग की जा रही है, तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन कौन इस हायरिंग के लिए एलिजिबल होने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। देखो, अगर आप अभी फुल टाइम ग्रेजुएट्स हो, BSc BCA डिग्री अगर आप लोगों ने 2023 में की है, या फिर इस बार कर रहे हो, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, 2024 में पास आउट होने वाले हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। BSc की डिग्री आपने की है या फिर आपकी कंप्लीट होने वाली है IT, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डाटा साइंस, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी ब्रांच में, तो भी आप रजिस्टर कर सकते हो। या फिर आप लोग BVOC की डिग्री कर चुके हो, 2023 बैच पास आउट हो, 24 अगर आप लोग होने वाले हो, तो भी आप लोग एलिजिबल हो। तीन डिग्री एलिजिबल होने वाली है, BCA, BSc और BVOC। यहां पे परसेंटेज की बात करें, मिनिमम आपकी 12th क्लास में 50% होने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सब बच्चों के होते हैं। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, जो भी गैप ईयर वगैरह वो सब कुछ इन्होंने मेंशन किया, तो ये आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटा अगर आपकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, 28 ईयर से कम है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप लोग एलिजिबल होने वाले हो इस हायरिंग के लिए। अब दो तरीके की हायरिंग की जा रही है, TCS BSc Ignite और TCS स्मार्ट हायरिंग। दोनों हायरिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपका TCS BSc Ignite वाली हायरिंग में सिलेक्शन होता है, तो ये एक साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जहां पे आपको ट्रेनिंग मिलती है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज की, और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में ही आप लोगों की जॉब होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों की जो जॉब होने वाली है, वो टॉप टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड की फील्ड में, ब्लॉकचेन, AR VR, AI, जनरेटिव AI, रोबोटिक्स और डिजिटल इंजीनियरिंग के फील्ड में होने वाली है। वर्ल्ड क्लास इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग बनोगे, जहाँ पे आप लोगों को ये स्किल्स सिखाएंगे, AI से रिलेटेड, जनरेटिव AI से रिलेटेड, ये सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा, अगर इस वाली हायरिंग में आप लोग का हिस्सा बनता है, अगर सिलेक्शन होता है तो। दूसरा, आप लोगों को इनके हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें जो BCA वाले स्टूडेंट है वो MCA की डिग्री कर सकते हैं TCS में जॉब करते करते। ये अपॉर्चुनिटीज TCS आप लोगों को ऑफर करता है। अगर आपकी MCA की डिग्री कंप्लीट होती है, तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा, वो अभी हम बात करेंगे सैलरी कितनी मिलेगी जॉब में आपको। TCS स्मार्ट हायरिंग जो दूसरी हायरिंग है, अगर उसकी बात करें, तो यहाँ पे ये जो दूसरी हायरिंग है, वो आप लोगों को बहुत सारे डोमेन्स में जॉब करने का मौका मिलता है, जैसे इंजीनियरिंग डोमेन, क्वालिटी एश्योरेंस डोमेन और डाटा एनालिटिक्स डोमेन में। इस वाले हायरिंग के अंडर आप लोगों का अगर सिलेक्शन होता है, तो इस डोमेन में आप लोग जॉब कर रहे होंगे। अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, अभी मैं आपको रजिस्टर करके भी दिखा दूंगा कैसे आप लोग को रजिस्टर करना है इसके लिए। उससे पहले हम टेस्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखो, इस हायरिंग में सिलेक्शन कराने के लिए आप लोग को एक टेस्ट देना होगा, और जो लोकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी टेस्ट सेंटर पे जाके आपको इस टेस्ट को देना होता है, अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो टेस्ट का पैटर्न रहने वाला है, 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 4 सेक्शन में यहाँ पे आपका ये टेस्ट होगा, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल पेपर भी शेयर कर दूंगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आप लोगों को जो TCS का सैंपल पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे ये लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को, जो भी लास्ट ईयर के पेपर हैं या सैंपल पेपर है TCS की स्मार्ट हायरिंग के, वो सब कुछ मैं आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, हायरिंग कैटेगरीज की बात करें और सैलरी की बात करें, तो जैसे मैंने बताया, दो कैटेगरीज में हायर किया जा रहा है। अगर आपका
इग्नाइट जो हायरिंग है उसमें सिलेक्शन होता है तो आपका पैकेज 2.8 LPA का होता है, और अगर आपका स्मार्ट हायरिंग में सिलेक्शन होता है तो 1.9 LPA का होता है। हालांकि पैकेज बहुत कम है, बट ये फ्रेशर्स को BCA वाले स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लोग एडिशनली लिखा हुआ है इन्होंने, अगर आप लोग यहाँ पे इनके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं जॉब करने के बाद, तो आपकी सैलरी 2.5x तक बढ़ सकती है। यानी ये 2.5 लाख 3 लाख का पैकेज आपका 6 लाख रुपये तक जा सकता है, अगर साथ साथ में आप लोग हायर स्टडीज भी करते हो इनके साथ जॉब को ज्वाइन करते करते और मास्टर डिग्री भी करते हो, तो वो आपका पैकेज भी बढ़ जाएगा। ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए। FAQ सेक्शन चेक कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट है वो सारे डाउट आप लोग के इनके FAQ सेक्शन में आप लोगों को मिल ही जाएंगे, तो एक बार वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम बात करें रजिस्ट्री कैसे करना है इस हायरिंग के लिए आप लोगों को, तो यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को अप्लाई लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग रजिस्टर कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई बटन मिल जाएगा रजिस्टर हेयर का, रजिस्टर हेयर पे आप लोगों को क्लिक करना है, इस वाले TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे पहुंच जाओगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे BPS और IT, तो आपको IT सेलेक्ट करना है पर्टिकुलरली। यहाँ पे BPS सेलेक्ट मत कर देना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। IT सेलेक्ट करने का सबसे पहले आप लोग को अपनी मेल ID डालनी होती है, यहाँ पे मेल ID पे एक OTP भी जाता है, वो वेरीफाई करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग को कुछ अदर वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड नंबर, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के प्रोसीड कर देना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है, और कुछ बेसिक सी अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, कौन से कॉलेज से हो, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कौन सा ईयर ऑफ पास आउट है। आप लोग को मोबाइल नंबर भी देना है, मोबाइल नंबर पे भी एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आप लोग को एक रेफरेंस आईडी मिल जाती है, इस रेफरेंस आईडी को थोड़ा संभाल के रखिएगा क्योंकि बाद में ये रेफरेंस आईडी बहुत काम आएगी आप लोगों को। ये कैप्चा ऐड करना है, जो भी कैप्चा आएगा। उसके बाद आप लोगों के मेल आईडी पे एक OTP जाता है, उस OTP को वेरीफाई करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ट्रैक में एप्लीकेशन ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, अदर डिटेल और एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। तो सबसे पहले आप लोग पर्सनल डिटेल में अपने बारे में बेसिक डिटेल डालेंगे कि आपके नियरेस्ट TCS ऑफिस कौन सा है, पर्सनल डिटेल, परमानेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद एकेडमिक डिटेल में आप लोगों को अपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, एग्जाम में जितने भी मार्क्स आप लोगों के आए हैं, वो सारी डिटेल आप लोगों को एक एक करके सारी डिटेल ऐड करनी है। जो भी डिग्री कर रहे हो उस डिग्री को कौन से कॉलेज से कर रहे हो, कितने मार्क्स अभी तक आ चुके हैं आप लोगों के, एक एक करके सारी डिटेल आप लोग जो ऐड कर दोगे। लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करते हो, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने अदर डिटेल्स का आएगा, जिसमें आप लोग की नेशनलिटी वगैरह पूछी गई है, कौन सी जो आप जानते हो ये पूछा गया, ये सारी डिटेल ऐड करनी है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लास्ट में जब आप लोग ये सारी डिटेल सबमिट कर दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी एप्लीकेशन डिटेल आएंगी। उसके बाद आप लोग के सामने ऑप्शन आएगा कि आप लोग TCS रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, यस कर देना है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। उसका टॉप 3 प्रेफरेंस पूछी जाएंगी आप लोगों से, जहां पे आप लोग इस टेस्ट को देना चाहते हो, आपके नियर बाय लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जहां पे जाके आप लोग इन TCS को टेस्ट को दे सकते हो, तो वो लोकेशन सेलेक्ट करने का लिखा है यू हैव अप्लाइड फॉर दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव। इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई कर देना है, और इस तरीके से आप लोग जब अप्लाई कर देते हो, जून के मंथ में आप अप्लाई कर सकते हो, जुलाई के मंथ में आप लोगों का ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को जो भी लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं 1000 रुपए के एक्स्ट्रा गिफ्ट के बारे में। तो देखो, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, फाइनेंस की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो, तो एक फाइनेंस बिगनर कोर्स है जो कि 1000 रुपए का प्रीमियम कोर्स है, और 2 आवर्स की वीडियोस आप लोग को इस कोर्स में मिलेंगी। जब आप कोर्स को कंप्लीट करोगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये कोर्स आप लोग फ्री में कर सकते हो, एक बार इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो 3 साल की वैलिडिटी मिलती है। एक कूपन कोड मैं आप लोग को बता रहा हूं, जिससे आप लोग को ये 1000 रुपए का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। TM100 ये वाला कूपन कोड आपको डालना है। इस कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हो 0 रुपीज हो चुका है। इस तरीके से आप लोग इस प्रीमियम कोर्स को फ्री में कर सकते हो, तो इस चीज का भी फायदा आप लोग उठा लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट फ्री कोर्सेज के लिए। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।